राहुल से नहीं संभल रहा घर का झगड़ा, नेताओं में टिकट के लिए दावा है तगड़ा। कैसे संभालेंगे राहुल गांधी अपना घर जब उन्हीं के सामने निकलने लगे नेताओं के पर। नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। विधानसभा चुनावों में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए ताल ठोक रही कांग्रेस से अपने घर का झगड़ा ही नहीं संभल रहा। राजस्थान कांग्रेस में तो झगड़ा इस कदर बढ़ गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की भी नेता नहीं सुन रहे हैं। पूर्व सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो तकरार शुरू हुई थी वो सचिन पायलट और कांग्रेस विधायक दल के नेता तक जा पहुंची है। दरअसल 12 नवंबर को राहुल गांधी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी जिसमें उम्मीदवारों के नाम तय किए जाने थे, लेकिन बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और कांग्रेस विधायक दल के नेता रामेश्वर डूडी आपस में ही भिड़ गए। दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं में कुछ सीटों को लेकर तालमेल नहीं बैठ पाया, जिस पर सचिन पायलट ने राजनीति छोड़ने की धमकी तक दे दी। मामले को बढ़ता देख राहुल गांधी ने दोनों नेताओं से उम्मीदवारों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। उधर इस तीखी बहस की वजह को सीएम पद की दावेदारी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल गहलोत और पायलट के बीच सीएम पद के लिए जारी कलह कई बार सामने आ चुकी है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने सीएम पद के चेहरे का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि विधायक दल की बैठक में ही सीएम पद को लेकर फैसला हो सकता है, जिसका साफ मतलब है कि जिसके समर्थन में विधायक ज्यादा होंगे उसकी दावेदारी अधिक होगी। यही वजह है कि दोनों ही गुट कम से कम 80 सीटों पर अपने चहेतों को टिकट दिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जो उन्हें सीएम बनाने में मदद कर सके। कांग्रेस में मची अंदरूनी कलह का ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह की कलह मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी देखने को मिली थी, जब दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया टिकट बंटवारे को लेकर आपस में भिड़ गए थे।